हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशन के बारे में। कैसे परमानेंट नेचुरल हेयर एक्सटेंशंस लगाए जाते हैं, कैसे उनमें लुक आता है, कैसे लुक्स में बूस्टअप आता है, सिंगल लेयर, डबल लेयर, माइक्रो रिंग में, आपके क्लिप ऑन में, आपके नैनो रिंग के अंदर, आपके टेप के थ्रू, आपके ग्लू के थ्रू, कई तरह से इनको लगाया जाता है। तो आज मैम आए हैं, देखिए नगमा मैम आए हैं, इनके माइक्रो रिंग से हम वॉल्यूम बूस्टअप करेंगे। माइक्रो रिंग लगवाना है मैम को, 50 स्टेप्स मैम लगवाएंगे माइक्रो रिंग्स की। तो कैसे माइक्रो रिंग लग रही है देख सकते हैं आप। ये जो पहले अपन फर्स्टली पार्टिंग करेंगे हेयर को, पार्टिंग करके जो जहाँ से आपका वॉल्यूम कम आ रहा है हेयर्स का, वहाँ पे हम माइक्रो रिंग्स के थ्रू आपके जो हेयर एक्सटेंशन होंगे उनको सिंगल सिंगल लेयर को अटैच करेंगे। देखिए ये लूप के थ्रू ये इंसर्ट किया जा रहा है। ये इंसर्ट करने के बाद इसको प्लायर से दबाया जाएगा जिससे टाइट हो जाएगा। जितना वॉल्यूम आप बूस्ट करना चाहते हैं उतना वॉल्यूम इसकी हेल्प से अपन बूस्ट कर सकते हैं। कई गर्ल्स 50 स्टेप्स लगाती है, कई 100 स्टेप्स लगाती है। देखिए माइक्रो रिंग के थ्रू इसको अटैच कर दिया है। अब ये प्लायर से इसको टाइट करने का प्रोसेस किया जा रहा है। ये प्लायर से इसको प्रेस करके टाइट कर देंगे तो माइक्रो रिंग में 2 से 3 महीने तक अटका रहेगा। फिर जैसे जैसे आपके नेचुरल हेयर की ग्रोथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये लूज़ होगा और 3 से 4 महीने में आपको इसकी सर्विसिंग की रिक्वायरमेंट होगी। माइक्रो रिंग एक 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 करके जोड़ते जाएंगे और जब फिर पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम में काफ़ी बूस्टअप आ चुका है। फ्रेंड्स, हमारे पास कलरफुल माइक्रो एक्सटेंशंस भी प्रोवाइड कराते हैं हम लोग। आपको ब्राउन कलर में चाहिए, रेड में, येलो में, जितने भी तरह के कलर है तो कलरफुल एक्सटेंशंस भी हमारे पास अवेलेबल है। हम ऑनलाइन भी ऑल इंडिया डिलीवरी कराते हैं। सलून्स वालों को जिनको प्रोडक्ट चाहिए होता है, होलसेल में जो हमसे माल लेना चाहते हैं वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम हमारे टेक्नीशियंस को अलग अलग सिटीज़ में ट्रेनिंग के लिए भी प्रोवाइड कराते हैं कि अगर आपको माइक्रो रिंग का काम सीखना है तो उसके लिए भी हम ट्रेनिंग सेशंस प्रोवाइड कराते हैं। और किसी को माइक्रो रिंग लगवाना है वो अजमेर, जयपुर जो हमारे सिटीज जहाँ पे हमारे ब्रांचेस हैं उनसे अलावा किसी और सिटीज़ में है तो होम सर्विसेज भी हम अवेलेबल कराते हैं। बस थोड़ा सा कॉस्टिंग उसमें बढ़ जाता है, हमारे स्टाफ का रहना खाना और आने जाने का खर्चा आपकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाता है। इसके अलावा गर्ल्स के जो हेयर पैचेज होते हैं, हेयर टॉपर्स होते हैं, हेयर विग होते हैं, क्लिप ऑन सिंथेटिक में एक्सटेंशन होते हैं, क्लिप ऑन नेचुरल में एक्सटेंशंस होते हैं, वो सब भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और मेंस में भी हमारे पास हेयर पैच, हेयर विग, जितने भी तरह के मेंस के प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी अवेलेबल है। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम PRP प्लेटिनेटेड प्लाज्मा थेरेपी भी प्रोवाइड कराते हैं जो नेचुरल ग्रोथ देती है आपके हेयर को। डर्मा रोलर भी प्रोवाइड कराते हैं। मीजोथेरेपी के सेशंस भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और कपिंग थेरेपी जो आपको ब्लड को प्योरीफाई करती है, हिजामा थेरेपी जो कहलाती है, कपिंग थेरेपी भी हम प्रोवाइड कराते हैं। और क्लाइंट्स जिनको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है तो ट्रांसप्लांट भी हम प्रोवाइड कराते हैं। डिपेंड करता है क्लाइंट का डैमेज एरिया कितना है, उसकी एज कैसी है, उसके पेरेंट हेयर ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, उन सारी प्रोसेस के बाद रिजल्ट निकाल के फिर ट्रांसप्लांट भी हम करवाते हैं। देखिए आपको मैंने सारी नॉलेज शेयर कर दी है। मैम के एक्सटेंशंस काफ़ी सारे स्टेप्स लग चुके हैं, कैसे वॉल्यूम गेनिंग धीरे धीरे हो रही है आप देख रहे हैं। धीरे 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 माइक्रो रिंग सारी की सारी लग जाएगी और फिर नेचुरल हेयर में इनको मर्ज कर दिया जाएगा तो देखने में कहीं से भी पता नहीं पड़ता है। जैसे आज ही अप्लाई हो रहे हैं तो जैसे जैसे आपके नेचुरल हेयर्स ग्रोथ लेंगे 2 से 3 महीने में, किसी किसी क्लाइंट में अगर ग्रोथ फास्ट होती है तो 2 महीने में भी कुछ माइक्रो रिंग्स लूज हो जाते हैं, और अगर आपके नेचुरल हेयर्स की ग्रोथ स्लो है तो 3 से 4 महीने तक ये माइक्रो रिंग आपके ओरिजिनल हेयर्स के साथ अटैच रहते हैं। जब 3-4 महीने बाद ये रिंग्स लूज हो जाएंगे तो इन्हें रीसर्विसिंग या रीफिलिंग की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या होता है, जो माइक्रो रिंग्स लूज हो जाते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आपके जो लेयर्स ऑफ हेयर जो स्ट्रिप्स लगी हुई होती है उनको वापस निकाला जाता है, उनको वापस क्लीन किया जाता है, फिर उनको रीफिलअप किया जाता है। देखिए मैम के एक्सटेंशन अप्लाई हो चुका है, देख रहे हैं आप पूरा मर्जिंग हो गया है, कहीं से भी आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कुछ हमने अटैच किया है। माइक्रो रिंग्स नेचुरल हेयर्स के साथ एकदम मर्ज है। जो रफ हेयर नीचे के आ रहे हैं उनको कटिंग का प्रोसेस चल रहा है, रफ हेयर हम हटा रहे हैं तो रफ हेयर हटाने से क्या होता है, इक्वल लगते हैं, क्योंकि कुछ हेयर्स क्या होते हैं कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं। रफ हेयर हटाने के बाद थोड़ा नेचुरल लुक ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इनमें चाहें तो कुछ ब्लॉन्ड स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, आप अगर कलर के शौकीन हैं, हाइलाइट के शौकीन हैं तो ब्लॉन्ड स्ट्रिप्स भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। इनको आप एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, केरेटिन कर सकते हैं, जैसे आप नेचुरल हेयर्स को मेंटेन करते हैं किसी भी तरह से आप इनको बना सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स देखिए माइक्रो रिंग में क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि दिखते होंगे,
पता पड़ जाता होगा, गिर जाते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। माइक्रोइंग अप्लाई करने के बाद आपको चलो मैम थोड़े इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है, जैसे चौड़े वाले ब्रश से ही आपको अप्लाई करना होता है इसमें, जो आप कॉम वगैरह करते हैं और जो शैम्पू वगैरह भी आप लेते हैं, शैम्पू अलग से आते हैं, वही आपको केयरिंग प्रोडक्ट इसमें अप्लाई करने होते हैं। तो देखिए मैम का लुक पूरा रेडी हो चुका है, एक्सटेंशन आप देख रहे हैं फ्रंट में बैक में कहीं से भी पता नहीं पड़ रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। मैम रिव्यूज जानते हैं हम हैं, मैम के परमानेंट एक्सटेंशन हो गए हैं, 50 स्ट्रिप्स लगाई है, आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना बढ़ गया है, लेंथ कितनी अच्छी हो गई है, कहीं से भी डिटेक्ट नहीं है, टोटली अनडिटेक्टेबल है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। अगर अपन बहुत अंदर जाके अपन देखेंगे तो दिस वन इज द माइक्रो रिंग्स, दीज आर द माइक्रो रिंग्स जो पूरी कवर रहती है आपके नेचुरल हेयर्स के साथ और कहीं से भी नहीं पता पड़ता है, आप कैसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपको हमारी तरफ से शादी की एडवांस बधाई।